गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी बहुत ही अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बना रही हूँ अभी शाम की चाय और आज दिखाऊंगी दोस्तों मैं आपको अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन। मैं क्या क्या करती हूँ इवनिंग से लेकर नाइट तक, तो वो सब चीज़ें जो है मैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर ये जो डेस्कटॉप आप देख रहे हैं, ये जो मेरे हस्बैंड हैं उनका अभी वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया है, तो उनका ऑफिस से ही आ गया है, वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो कुछ दिन वो घर से ही काम करेंगे। और बस यही सब चल रहा है अभी शाम को। और ये देख लीजिए दोस्तों, बाहर चल रही है बहुत ठंडी ठंडी हवा और अभी भी दोस्तों जो है ठंड पूरी तरह गई नहीं है, अभी भी ठंड काफ़ी है। और आज सुबह दोस्तों थोड़ा फीवर भी मुझे हो गया था और ठंड लग गई थी शायद, और बस उसी चक्कर में मैंने थोड़ी सी मेडिसिन ली और उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया। आज दोपहर से तबीयत जो है वो मेरी ख़राब है, तो अभी बनाऊंगी मैं रात के लिए खिचड़ी। और हस्बैंड अभी आए थे ऑफिस से, तो वो लाए हैं अभी समोसे, तो बस समोसे वगैरह उनके सबके डालकर मैं दे देती हूँ। यहाँ चाय मेरी जो है वो बनने वाली है और बस समोसे वगैरह खा लेंगे ये लोग। और खिचड़ी मैंने भिगो कर रख दी है, बस खिचड़ी बनाऊँगी रात के लिए। और यहाँ पर देख लीजिए ये समोसे इस तरीके से ये लोग खा रहे हैं, छोले डाले हैं इस पे और दही डाला है, इस तरीके से बनाकर सब लोग खा रहे हैं। और ये जो प्लेट आप देख रहे हैं सामने, ये पापा जी के लिए मैंने लगाई है। और बस सब लोग खा लेंगे अभी ये लोग छोले और समोसे, और इस तरीके से चाट बनाकर ही खाते हैं हमारे घर में समोसे, तो अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। आ जाइए आप भी खा लीजिए। और बस सब लोग खा रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों मैंने, पापा जी थोड़ा लेट आए थे तो चाय मेरी पहले बन चुकी थी, तो मैंने दोबारा से अब चढ़ा दी है एक कप और चाय, तो बन रही है ये भी साथ साथ। इधर जो खिचड़ी मैंने भिगो कर रख दी थी उसको भी छोंकने की तैयारी कर लेती हूँ। और अभी दोस्तों बज रहे हैं रात के 8:30, तो बस इसे छोंक लूँगी रात के डिनर के लिए। तो बस दोस्तों खिचड़ी को छोंक लेती हूँ और हींग जीरा डाल के छोंकूंगी, बस सिंपल सी बनाऊंगी। और इसी तरीके से जो है मैं बनाती हूँ खिचड़ी रात को, तो ज़्यादा हैवी नहीं बनाती और कभी कभी मसाले वाली भी बना लेती हूँ, लेकिन आज जो है वो इसी तरीके की बना रही हूँ एकदम सिंपल। बस इसमें मैंने नमक, हल्दी और जो हींग है वो डाला है थोड़ा सा, और बस ये बन जाएगी थोड़ी ही देर में। देखती हूँ कैसे बनाता तू आज मैगी, कुछ नहीं बताने वाली मैं तुझे। पानी डाल रहा है और ये पैकेट उठा के कौन रखेगा, इसको उठा के ऊपर रखो यहाँ से निकाला है, पूरी रसोई फैला दे मेरी। कैची कैची की जगह रखो। हे भगवान, आज बन जाएगी या सब कुछ डाल देंगे इसमें। देख लो दोस्तों, फर्स्ट टाइम बना रहा है ये मैगी, कैसे बनाएगा कैसे नहीं कुछ नहीं पता, इसे आइडिया बस उस पर पढ़ लिया है इसने पैकेट पर और बना रहा है। कभी किचन में आता नहीं है क्योंकि कभी ऐसा कुछ काम पड़ता भी नहीं है और इसने कभी सीखा भी नहीं किचन का कोई ऐसा काम, तो बस फिर भी मैं बोलती हूँ कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सबको सीखना चाहिए थोड़ा बहुत काम किचन का, और इसको बिल्कुल भी किचन का जो आइडिया नहीं है। बेटी तो कर लेती है काफ़ी कुछ, लेकिन इसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बनाना नहीं आता है इसे कुछ भी। तो मैंने इसे बोला है कि खुद बना, तो फिर तुझे पता भी चलेगा कि किस तरीके से बनता है, तो वही बना रहा है, तो देखते हैं कितना कामयाब होता है, बना पाता है या नहीं। तो देखते रहिएगा आप व्लॉग, बने रहिएगा व्लॉग में। चम्मच देखो, ढक तो ले इसे भाई। अच्छा, इसे और क्या ढकना भी होता है। चलो वेट करो, और आपका वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, अब आप क्या करोगे घर में सारा दिन, जान खाओगे मेरी?
ये बताओ। नो कमेंट्स। अभी मत उतार, अभी रख दे उसे। नमक डाल रहा हूँ, नमक तो डाल रहा हूँ। नमक डाल दियो, रुक जा दो मिनट बाद। अभी रुक जाओ उसे होने दे, फिर मैं नमक डाल दियो। नमक मसालदानी में होता है। किचन में कभी आया कर माँ के साथ, देखा कर कुछ क्या क्या होता है। इतना नमक मत डाल, बहुत हो जाएगा। कम कर, दिखा और कम कर भाई। रुक जा, रुक, हटा हाथ, हटा। इतना डाल दे बस, चल डाल। ठंड में थोड़ी बनती है, बोलते ही हैं। उसको चला दे एक बार। अरे मेरी खिचड़ी का चम्मच क्यों ले लिया? मिक्स कर उसे। गलत चम्मच ले लिया, कुछ नहीं हो सकता। बोली तेरा, रुक जा, हट हट जा। मन तो रही है, पानी क्या करता है। चल ढक दे उसे थोड़ी देर, ढक दे, अच्छे से हो जाएगी। फिर बस होने वाली है, फिर वो हटा दियो ढक्कन। ये देखो सामान कितना बिखेरा है इसने। एक चम्मच, दो चम्मच, ये देखो, ये तीन चम्मच, तीनों चम्मच कर दिए इसने मैगी में। और इधर से मेरे खिचड़ी का वो भी ले लिया था। इसका कुछ नहीं हो सकता। ये देखो मिर्च को नहीं भी डाल सकते। डाली नहीं मैंने मिर्च, टेस्ट आएगा नहीं आएगा? हो जाएगा। मैगी मसाला थोड़ा डाल देता फिर आ जाता। मैगी मसाला नहीं खाया उसमें? मैगी मसाला ये वो वाला नहीं, एक और जो पाउच वाला दूसरा। नहीं वो नहीं डाला। देख ऊपर है ये, इसमें मैगी मसाला पड़ा हुआ है। खाली है, खत्म है, रहने दे। चल थोड़ा गरम डाल दे ऊपर से। मिल गया, बस ये डाल दे पूरा। नहीं होगा, मिर्ची वाली मैगी खा रहा हूँ। बन गई है, चलो फाइनली बना दी कुशल ने मैगी। उतार ले इसे, बंद कर दे गैस। और ये जितना कूड़ा बिखेरा ना, सब उठाना है तुझे। ये लो जी, बना दिए मेरे बेटे ने मैगी। और सीख जाएगा ऐसे ही धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करेगा तो। और करना भी चाहिए, लड़कों को आना चाहिए खाना वगैरह बनाना। मेरे हस्बैंड भी सारा खाना बनाना जानते हैं, तो आना चाहिए खाना बनाना। और यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, खिचड़ी बन गई है। और इस वक्त बज रहे हैं रात के 9:15, और खिचड़ी बनकर रेडी है। और यहाँ पर सुनियो को देख लीजिए, वो भी खिचड़ी इसने सूंघ लिया है कि खिचड़ी आई है। तो बस अब इसको भी चाहिए थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए। तो हल्की सी खिचड़ी इसके लिए मैं ठंडी कर रही हूँ, तो इसको दे दूँगी। और देख लीजिए कैसे खाता है खिचड़ी। ये देखो पीछे नहीं होएगा बिल्कुल भी, और ये देखो पूरा सन जाएगा इसी में। और खाने को इसे पूरा चाहिए सब कुछ, जो हम खाते हैं वो ये खाता है। खिचड़ी खाएंगे तो इसे खिचड़ी चाहिए, दलिया खाएंगे दलिया चाहिए, उपमा खाएंगे उपमा चाहिए, सब इसे खाना होता है। तो बस दे दिए इसको थोड़ी सी खिचड़ी, खा लेगा भी ऐसे ही। और निवाई निवाई खाता है दोस्तों, अगर आप इसे ठंडी देंगे तो बिल्कुल भी नहीं खाएगा। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ नाइट के बर्तन जो है वो मांजने के लिए, तो ये मांझ कर मैं सोऊंगी। और ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अब कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।